नमस्कार। दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पंचायत ने इस तरह का फरमान जारी किया जिससे एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी लगी। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से मंत्री ललिता यादव ने औचक निरीक्षण किया और यहां पर सिविल सर्जन और CMHO को फटकार भी लगाई। और भी खबरें हैं लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रत्येक टाउन नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। खाप पंचायतों की तर्ज पर बुंदेलखंड में भी पंचायत ने सुनाया जानलेवा फरमान। 65 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। राज्य मंत्री ललिता यादव ने किया सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर CMHO और सिविल सर्जन को लगाई फटकार। नालियों के निर्माण के बाद से आज तक नहीं हुई नालियों की सफाई। वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बाशिंदे गंदगी से हैं परेशान। और जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं चरम पर। आरक्षक को नहीं मिल रहा था इलाज। आरक्षक को इलाज दिलाने पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे अस्पताल। हेडलाइंस बात करते हैं खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। खाप पंचायतों की तर्ज पर छतरपुर जिले में भी एक पंचायत ने ऐसा फरमान सुनाया कि 65 वर्षीय वृद्ध को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, रामटोरिया पंचायत के अंतर्गत एक 65 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पंचायत को ये बताए जाने के बाद कि उसकी एक बच्चिया ने कीटनाशक पी लिया है और उससे उसकी मौत हो गई है। पंचायत ने उसे फरमान सुनाया है कि उसे गंगा स्नान करना पड़ेगा इलाहाबाद जाकर और उसके बाद आसपास के 10 गांव के लोगों को भोज भी कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने इतना कराया लेकिन इसके बावजूद पंचायत नहीं मानी और पंचायत के कुछ लोगों ने उसे एक पैर पर खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया और उस पर प्रेशर डाला और जिससे उस व्यक्ति की जान चली गई। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। देखिए, रामटोरिया का जो मामला सामने आया इसमें हरि सिंह लोधी नाम का जो 65 वर्षीय व्यक्ति है, बुजुर्ग है और यहाँ पे इसके घर में इसी की बच्चिया 9 सितंबर को इसके चूहा मारने की दवा के दौरान खत्म हो गई थी जिसका उसको अफसोस था और इसने यहाँ पे पंचायत को सार्वजनिक रूप से जानकारी दे दी थी और यहाँ पे पंचायत द्वारा जो फरमान दिया गया था वो चौंका देने वाला फरमान था। यहाँ पे पंचायत ने यह कहा था कि यहाँ उसको इलाहाबाद में गंगा स्नान करने होंगे, साथ ही सर को मुड़वाना होगा। तो यहाँ पे बुजुर्ग ने सभी बातों को सहमत करते हुए इलाहाबाद पहुंचे और जहाँ पर उन्होंने 10 सितंबर को यहाँ पे इलाहाबाद में दर्शन किए, गंगा स्नान किए और सर मुड़वाकर वापस आ गए थे। सभी जानकारियां यहाँ पे पंचायत के पंचों को दे दी गई थी। बावजूद इसके भी यहाँ पे पंचायत द्वारा गरीब जो किसान है इसके द्वारा एक और बात कही गई थी कि यहाँ पे इसे भोजन कराने होंगे, जो एक गांव नहीं बल्कि 10 गांव के लोगों को भोजन कराने का फरमान जारी किया गया था। यहाँ पे गरीब किसान ने इस बात को भी स्वीकार करते हुए 10 गांव के करीब 300 लोगों को भोजन कराया था। यहाँ पे भोजन कराने के बावजूद भी पंचायत का यहाँ पेट नहीं भरा और यहाँ पे एक और बात सामने निकल कर आई थी कि यहाँ उसके द्वारा अब और लोगों को भोजन कराने होंगे, इसके अलावा पश्चाताप करने के लिए और भी जतन करने होंगे। एक सबसे बड़ा चौंका देने वाली बात जो सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि जो पंचायत ने फरमान दिया था कि इस व्यक्ति को दिन भर के लिए एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ पे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, साथ ही कुछ और ब्राह्मणों को भोज भी कराने होंगे। तो ये गरीब व्यक्ति जो किसान है लगातार परेशान था और इसका इसी बात से लेकर नाखुश था और उसको सदमा बैठ गया था और दिन भर ऐसा परिवार का कहना है कि दिन भर ये एक पैर पर खड़े रहे और दूसरे दिन अचानक ही तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे किसान की मौत के बाद जैसे ही मामला थाने जा पहुँचा यहाँ पे पुलिस द्वारा भी कार्रवाई करने का भरोसा जताया गया है। यहाँ पे परिवार द्वारा जो नाम सामने निकल कर आए हैं
उसमें तीन लोगों के नाम बताए गए हैं जिनके द्वारा इस तरीके का फरमान दिया गया था एक पैर पे खड़े होने का, इसके अलावा फिर से भोजन कराने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जो नाम सामने आए हैं गोंदी लोधी हैं, इसके अलावा करण लोधी है, साथ ही मदवार लोधी, ये तीन नाम हैं जिनके द्वारा यह फरमान दिया गया था कि अगर आप दोबारा भोज और एक पैर पर खड़े नहीं होंगे तो ये पश्चाताप नहीं किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर किसान द्वारा लगातार यह काम किया गया है और आखिरकार किसान ने यहाँ पे दम तोड़ दिया है। उधर परिवार का कहना है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही इस तरीके का जो पंचायतों में फरमान जारी किया जाता है यह भी बंद करने के आदेश तत्काल प्रभाव से दिए जाने चाहिए। बमनोरा थाना में रामटोरिया चौकी है, तो रामटोरिया गांव में एक घटना घटित हुई जिसमें एक बुजुर्ग हैं 70 साल के, उनके यहाँ एक बछिया ख़त्म हो गई। उसका कारण जानने पता चला कि संभवतः उन्होंने कीटनाशक जो खेतों में डालने के लिए रखा था वो वहाँ घोल के रखा हुआ था, हो सकता है कि उस बछिया ने वो पी लिया हो और उससे मृत्यु हो गई। एक बात ये भी सामने आ रही कि उन्होंने चूहा मारने की दवाई भी रखी थी, सोचता उसने वो खा लिया हो। कुल मिलाकर के ये है कि कीटनाशक कोई भी पदार्थ खाने से बच्चिया की मौत हो गई। तो गांव के और भी लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने बोला कि ये गलत काम हो गया है, तो आप गंगा स्नान करो और कुछ लोगों को भोजन वोजन कराइए। और वो इस पर प्रयास भी करने लगे, 10-15 दिन पहले ही घटना है, लेकिन 2-3 लोग कुछ ऐसे थे गांव के, उनने बोला कि इतने कम लोगों से काम नहीं चलेगा, आपको 3-4 गांव के लोगों को करना पड़ेगा और जुर्माना देना पड़ेगा। इस बात से उनको थोड़ा तनाव हुआ, उनको लगा कि उनके कोई पुत्र भी नहीं है, उनको ये लगा कि जो मैं दूसरों की पंचायत करता था आज मेरे ऊपर जुर्माना लग रहा है, तो उससे थोड़ा टेंशन में आ गई। हालाँकि उनने ये खाना पीना सब चीज़ करवाया और उसके बाद अचानक परसों लेटे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सूचना जब पुलिस के पास आई, पुलिस ने इसमें मर कायम किया है और पीएम करवा लिया है, अभी पीएम रिपोर्ट आना शेष है, लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और अगर ये पाया जाता है कि जिन लोगों ने अनावश्यक दबाव डाला और उस कारण से सदमे में गए और इस तरह की घटना घटित हुई है, तो जो भी उन पर कार्रवाई होगी वो पुलिस कार्रवाई करेगी। इनके साथ पंचों ने बेइज्जती की, इनकी करण लोधी, मर्दन लोधी और गोंदी लोधी ने, एक पैर से खड़ो करे रहे, 500 रुपया जुर्माना लिया, बोले बुद्धा जाएगा 12 गांव के पंच जोड़ने के लिए। हमने कि साहब हम चले जाएंगे, हम लड़के हैं, बोले नहीं यही बुद्धा जाएगा, इसका यहाँ तो क्या है। इस तरह की बात क्यों की, क्या हो गया था? सब एक बची वो दवाई रखी थी सब चूहा मार के, जो चूहे खत्म हो जाए, लौकी लगी हुई थी, तो इसलिए साहब वहाँ 15-20 दिन हो गए, और वहाँ एक गाय का बछेरू था, हमारे घर का गाय है, हाँ। तो इसलिए साहब के हम लोगों ने सोचा कि ऐसा तो दवाई खा के मर गया हो, तो हमने पंचों को सुनाया, हाँ। तो पंचों ने बोला कर ले हो तो किसी से खाया होगा, दवाई खाई होगी, हाँ। तो गंगा जी भेजा, गंगा जी से हम लोग आए तो 3 पंक्ति ली हमसे, हाँ। खाना नहीं खा रहे थे, एक पैर से खड़े कह रहे, मर्दन लोधी, गोंदी लोधी, करण लोधी, रात ही से बोलने लगे हम लोगों को कि भैया अब हम पे ये सही नहीं जा रही है बात, खत्म हो गए साहब। जैन मंदिर के पास जे बाजार तरफी से जा रहे थे 1-1.5 के करीब, ये हम भाटे में थे साहब, खेत में पानी डाले थे, बछिया ने कोई दवा पी ली थी तो लोगों ने उन्हें समाज से बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद उन्हें 3-4 बार उनसे पंचायत उनसे जुड़वाई गई, जो ग्राम में होता है अक्सर, हमारे यहाँ मतलब ऐसे पहले भी ऐसे घटना हो चुकी है कि यहाँ पे लोग पंचायत जोड़ते हैं, उसको अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, और इसी कारण से वो बताया कि उनको सदमा बैठ गया। वो सब आदमी थे, अच्छे आदमी थे, पूरे गाँव में उनकी अच्छी वो थी, पहचान थी, तो इसलिए वो उनको सदमा बैठ गया। की प्रताड़ना के कारण ही सदमा, हाँ बताया, यही बताया गया है सभी के, उनके बेटे द्वारा भी यही बताया गया, उनके बेटे ने भी आके सूचना दी, और चौकी में भी मैंने संपर्क किया तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने वो बोला है उनके बेटे ने कि समाज में, हाँ ये बहुत ही गलत क्रूति है और इसको बंद होना चाहिए, इससे क्या है कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आती हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको इधर उधर से पैसा जोड़ के वहाँ पर डांड जो देहात में
बोलते हैं गांव में उसको डांड बोलते हैं, वो डांड देना पड़ता है और कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है जिनके साथ ऐसी ये घटनाएं हो जाती हैं, उन्हें सफर भी के लिए बाहर भेजो जात और फिर उसके बाद यहाँ पे उनसे खाना लिया जाता है, कथा बैठवाई जाती है, ये सब प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी तारतम्य में भाजपा द्वारा विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में राज्य मंत्री ललिता यादव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखकर सीएमएचओ और सिविल सर्जन को फटकार लगाई। गौरतलब है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था उस ढंग से नहीं हो पा रही है जैसे कि होना चाहिए। बंद वार्ड में बंद एसी को देखकर भी वे नाराज हुई और उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जल्द ही जल्द यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। इसी के साथ चूंकि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था जिस कंपनी को दी गई थी उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, शीघ्र ही इस पर जल्द टेंडर लाए जाने की बात भी कही है। इस मामले में कलेक्टर रमेश भंडारी ने भी नगर पालिका से कहा है कि नगर पालिका अपने कर्मचारियों को भेजकर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था का इंतजाम तब तक करे जब तक कि नए टेंडर मिलकर किसी दूसरी कंपनी को सफाई का ठेका नहीं मिल जाता। ऐसे ही होना चाहिए, मैं काम क्या करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन जरा आप लोग इस पे क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या जवाबदार नहीं है, हाँ जवाबदार नहीं। कल आपने परसों देखा सीएम ने क्या किया, ये पता है आपको कि नहीं? क्या ये महीना भर में हुई होगी कितने दिन का पड़ा हुआ है? 10 दिन आप कलेक्टर का, मैं यहाँ वर्ल्ड वाइड में हूँ कलेक्टर का, वर्ल्ड वाइड में आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हम लोग यहाँ पर फल वितरण करने के लिए आए थे, तो जब हम लोग अस्पताल में आए ऐसा कोई मेरा ध्यान नहीं था कि मुझे ऐसी हालत मिलेगी, लेकिन हम लोग बिना सूचना दिए आए। तो जब हम लोगों ने देखा कि अस्पताल में प्रवेश करते समय अस्पताल ऐसी चीज होती कि व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए आता है, लेकिन अस्पताल में प्रवेश होने के समय ही 10 मिनट में आदमी अगर बीमार होने लगे तो इसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ पर अस्पताल में सफाई का ठेका जब दिया जाता है, जब कर्मचारियों का अभाव होता है तब सफाई का ठेका दिया जाता है, और ठेकेदार को इसे कि 24 घंटा उसके हाथ में झाड़ू और पोछा होना चाहिए, जहाँ गंदगी होती तत्काल सफाई होना चाहिए। यहाँ ना तो मुझे कर्मचारी देखे, जगह जगह कचरों के अंबार देखे, जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए, पूरी सफाई व्यवस्था चौपट है। तो यहाँ पर मैंने सीएमओ को, सीएमएचओ को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया और मैंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल जिसका सफाई का ठेका है उसको नष्ट किया जाए आज ही और अभी। कलेक्टर साहब यहाँ पर है, नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर है, अभी जब तक ये टेंडर दूसरा सेंक्शन नहीं होता तब तक जो भी व्यवस्था की जाए, लेकिन आज ठेका नष्ट और इसकी जो मार्जिन मनी इसको भी जब और साथ ही इसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए ताकि कहीं काम न कर सके, ताकि यहाँ पर जो हमें देखने में आया है कि यहाँ पर चद्दर कहीं नहीं मिली। बीच में भी हम लोग आए थे, हम थे विधायक महाराजपुर से, मैंने 15,000-10,000 हमने देने की प्रक्रिया चली, 25,000 हम चद्दर के लिए देंगे, लेकिन अस्पताल में भी कैसा रहता है, मरीजों के पास कम्बल हो, मरीजों के पास चद्दर हो, तो इसकी भी फाइल आज ही सेंक्शन होगी और आज ही ठेका निरस्त होगा। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, आप सबको पता होगा कि 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया हमें दिया, औचक निरीक्षण में जो दोषी पाए गए तो उनसे कार्रवाई होगी। आज ही मैं कहती हूँ ये वार्निंग है, वरना जो भी दोषी हो पाए जाएंगे
दोषी उसको समझती हूँ मैं जो यहाँ का गार्जियन है, जो ठेके देते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग करना उसका काम रहता है। और ये पहला ये हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में लेस बात की सुविधा नहीं है, सब टूटे पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा अस्पताल बन रहा है, आपको पता है कि 38 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा हमें अभी जितना है उसमें काम चलाना पड़ेगा। अस्पताल में सुधार हो उसके लिए क्या, जब हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे तब यहाँ से बताएंगे। अभी आपने किस तरीके से सिविल सर्जन से आपको बताया क्या? मैंने सिविल सर्जन को बता दिया है कि अभी सफाई व्यवस्था ठीक हो, वार्डनी वार्ड है उसमें एसी एक खराब भी मिला है, जबकि एसी वहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी जगह जगह मुझे गंदगी मिली है, तो गंदगी के लिए ये लोग जवाबदार हैं। मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि तत्काल आज ही इन पर कार्रवाई करो, अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो समझ लो तुम दोषी। इसलिए अभी कलेक्टर साहब आया अभी तक, खास करके उन्होंने सफाई के बारे में अपसंद जाहिर की थी। सफाई ठीक, हमने सफाई का पुनः ठेका किया था, लेकिन उसमें भी रेट अच्छे नहीं आने के कारण एवं हमारी जो समिति थी उन्होंने किसी का नाम रिकमेंड नहीं करने के कारण जो पुराना ठेकेदार था, इससे हम भी संतुष्ट नहीं थे। उसका कार्य चल रहा था, आज उसका जो ठेका है वो निरस्त कर दिया है, और जब तक नए ठेकेदार नहीं आ जाते हैं तब तक हमने नगर पालिका से रिक्वेस्ट की है कि वो सफाई मजदूर दे दें, आज इसके सब मटेरियल कनेक्ट कर लेंगे और अभी सरकारी तौर पर कार्य करेंगे। ग्राउंड जीरो में हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड क्रमांक 14 और 15 की जमीनी हकीकत। ये वार्ड क्रमांक 14 और 15 के क्षेत्र के अंतर्गत संकटमोचन, मरई माता और ये पहाड़िया वाला क्षेत्र और अनगढ़ टोड़िया वाला क्षेत्र आता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब से नालियों का निर्माण हुआ है तब से उनकी सफाई नहीं हुई है। वाहन कचरा वाहन आते हैं लेकिन बिना कचरा लिए ही लौट जाते हैं। हैंडपंप के आसपास गंदगी का अंबार लगा है, यहीं से लोग पीने के लिए और निस्तार के लिए पानी ले जाते हैं और यहाँ काफी गंदगी में मवेशी भी विचरते हैं। लोगों को बीमारियों का अंदेशा है और लोग बीमार भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कचरा गाड़ी आती चली जाती है, कचरा चढ़ा कोई जा रहता ही नहीं, अच्छी टाइम तला कचरा घूरे फेंक देते हैं। नाली तो मान लो जब से बनी है जब से दीवार साफ नहीं है, कोई आता ही नहीं है साफ करने के लाने, बोले इधर का परमिशन नहीं है, होती नहीं है साफ। बहुत सारा बोलते जब जो नाली साफ करने वाले आते हैं ये कहने लगते जमादार से कहो कि कर दो भाई, ये अल्लाह से परमिशन नहीं है इधर का। गंदगी कम से कम ये करीबन 6-7 महीने से परेशानी निकलने की परेशानी है, पानी आता है नाली नर्दे का और बच्चे बीमार होते हैं, हमेशा अस्पताल पहुँचते हैं यहाँ से। नाली साफ नहीं होती, बल्कि हेल्पलाइन में शिकायत भी किया है इसका, वहाँ से कोई निर्माण नहीं आया अभी तक। इतनी गंदगी है ना, घूमर रहता ना नाली है ना कुछ है ना, सरकार सुनती है ना रोड बना है, जाने के सालों से मेंबर से कहते हैं रोड ही नहीं बनवाते हम। जगह का नम नाली की परेशानी है, निकलने में परेशान होते हैं और जरा जरा से बच्चे हैं गिरते हैं नाली में, पूरे में पानी बहता है ना, निकलने को है ना कहीं को जगह है, बहुत परेशान है हम लोग। यहाँ पर गाड़ी कभी शायद महीने में 2-4 महीने में एक आध बार आती है, वैसे गाड़ी कभी नहीं आती और शायद ही कभी आती है, और वैसे तो कचरा फैला रहता है यहाँ वहाँ घरों में जाता है लोगों की, आंधी वगैरह आ रही तो घरों में घुस जाता है और ऐसा ही अक्सर चलता रहता है। हाँ, गंदगी से बीमारियाँ फैलती हैं और यहाँ पर जो जानवर हैं ये सुअर वगैरह तो यहाँ पर आते हैं, वो फैलाते हैं कचरा तो सड़कों में और यहाँ वहाँ। गंदगी बहुत ज़्यादा परेशान है, गंदगी यहाँ पर ज़्यादा रहती है और कोई उठाने के लिए आता नहीं है, 10-15 दिन में गाड़ी आती है तो उठा ले जाती है। गढ़ीवलेरा थाना में पदस्थ ज्वाला अहिरवार नाम का आरक्षक जब ड्यूटी से घर लौट रहा था तभी अचानक उसे एक वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गंभीर हालत में वो जिला अस्पताल आया, लेकिन अफसोस ये कि उसे जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिला। इस बात से नाराज होकर थाने के और कर्मचारी भी यहाँ पहुंच गए। बाद में खबर लगने पर पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर पहुंचे और उसके इलाज की व्यवस्था की। हालांकि बाद में डॉक्टर्स आए और हालत ठीक न होने की वजह से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। देखिए मैं यही कहती हूँ, तो अस्पताल इसलिए रहता है कि डॉक्टर और नीचे का अमला रहता है, अगर कोई भी सफाई ना हो आम नागरिक आए, और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि कभी भी बिगड़ सकता है, उसको तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। और अगर ऐसी बात है तो अभी मैं कलेक्टर से बात करती हूँ और जिसने नहीं सुने हूँ उसके ऊपर ही कार्रवाई करवाती हूँ।
मध्य प्रदेश पुलिस में आएंगे और सिपाही आएंगे रात में वही करीब 11 बजे एक्सीडेंट हो गया उनका, जो सुबह 8 बजे करीब उसका लाए जाएंगे चेकअप हो रहा है और डॉक्टर उसका अभी अभी आई मैडम ज्यादा दफा करते हैं उन्हें दवाइयाँ के लिए दवाई जमा कर जा रहे हैं थाने के गरीब इलाके पूरे आए करके भी सब आ गए हैं 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है नहीं आए अभी आए डॉक्टर। शहर में ऑटो चालकों की मनमानी लगातार जारी है। ऑटो चालक अभद्र तरीके से सवारियों से व्यवहार करते हैं और पैसे न मिलने पर उनके साथ अभद्र हरकतें भी करते हैं। माधुआ थाने का पापटा गांव का दुर्जन राजपूत सब्जी बेचने छतपुर आया था और जब वो वापस लौट रहा था तभी टैक्सी चालक से उसका पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और टैक्सी चालक ने उसे टैक्सी से ही धक्का मारकर गिरा दिया और उसके बाद टैक्सी चालक फरार हो गया है। गौरतलब है कि इसके पहले तमाम टैक्सी यूनियन और टैक्सी यूनियन के नेता बार बार अपने भाषणों में ये कहते रहे हैं कि वे टैक्सी चालकों को ड्रेस उपलब्ध कराएंगे, उनकी नेम प्लेट उपलब्ध कराएंगे और उनका फोन नंबर आगे और पीछे लिखा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद ये बातें सिर्फ बातें बनकर रह गई हैं। यही वजह है कि टैक्सी चालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं। सब्जी बेचने आए थे और टैक्सी वाले ने और धक्का दे दिया है कि 15 रुपये मांगाते उन्हें कह दी 10 रुपये दे 10 रुपये दे जाए ना खड़ी कई गाड़ी खड़ी चलती गाड़ी में उन्हें दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सटई रोड वार्ड क्रमांक 19 में कलेक्टर रमेश भंडारी भी सर्वे के लिए पहुंचे। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और सूर्य प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कलेक्टर रमेश भंडारी ने कहा कि ये सिर्फ किसी वार्ड का मामला नहीं है बल्कि पूरे जिले में पूरे शहर में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना है और सभी लोगों को प्रेरित भी करना है। छतरपुर शहर को नंबर एक सफाई के मामले बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम सारी कॉलोनी में घूम के वहाँ के लोगों को अवेयरनेस पैदा करें, वो सफाई अपने घर के और आस पास के मोहल्लों की सफाई करें। इस संदर्भ में इस कॉलोनी में भ्रमण किया था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पाई गई है वो है कि लोगों ने अपनी नालियों पर अपने घर के सामने की नालियों पर कब्जा कर लिया है। उनसे आग्रह किया गया है या तो वो चैम्बर बना लें अदरवाइज जिला प्रशासन उन नालियों को क्लियर करें। हमारा जो छतरपुर शहर है ये 500 शहरों में शामिल हुआ है जो कि स्वच्छता की दौड़ में है, तो इसी के तारतम्य में लोगों का व्यवहार चेंज हो, लोग जो जिस तरह से चाहे प्रशासन का चाहे नगर पालिका का सहयोग के माध्यम से अपने घरों को साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने गली को साफ रखें, अपने कॉलोनी को साफ रखें। एक तो स्वच्छता का संदेश हमको लोगों तक देना है कि किस तरह से लोग इन सारी चीज़ों का पालन करें और अपने व्यवहार में ये सारी चीज़ें शामिल करें। नगर पालिका द्वारा डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 28 में रविवार को लोगों को डस्टबिन दिए गए और उन्हें आसपास के क्षेत्र में और अपने घरों में साफ सफाई रखने की और साफ सफाई से रहने की सलाह भी दी गई। बाद से हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये डस्टबिन दिए जा रहे हैं घर पर जाकर सबको जागरूक करेंगे कि अपने घर का कचरा जो है तो उसको अपने बच्चे ट्रॉली में डालें, घर में स्वच्छ रखेंगे, मोहल्ला स्वच्छ रहेंगे। ऐसे ही भी द्वारा जो दिया जा रहा है उसके लिए संकल्प हम सभी मिलकर शहर वाइज देशवासियों छतरपुर को स्वच्छ साफ सुथरा रखेंगे और हम ये शपथ लेते हैं कि डस्टबिन में कचरे इकट्ठा करके नगर पालिका से जो गाड़ी आती है उसमें डालेंगे और सभी महिलाओं को मोहल्ले में इसके लिए प्रेरित। नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश के जो पूरे देश में अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसी क्रम में आज छतरपुर नगर के वार्ड नंबर 28 में श्रीमती अर्चना सिंह जी के द्वारा जो डस्टबिन दिए गए थे तो उन डस्टबिन का सदुपयोग हो उसके लिए आज वार्ड नंबर 28 की महिलाओं ने आज संकल्प लिया है कि हम अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालेंगे और जो नगर पालिका से अधिकृत गाड़ी है कचरे की उसमें ही फेंकेंगे और कोई भी कचरा हम घर के बाहर नहीं डालेंगे। और ये सिर्फ हमने संकल्प नहीं लिया है बल्कि ये भी संकल्प लिया है कि हम घर घर जाके और भी घर के महिलाओं को जागरूक करेंगे इस अभियान को लेके, जिससे कि हमारा देश स्वच्छ हो, हमारा छतरपुर स्वच्छ हो, हमारा बाढ़ स्वच्छ हो।
ईसा मसीह का जन्म धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले महोबा रोड स्थित चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद फिर पूरे शहर में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। बीच झांकी में लोग गाते हुए नाचते हुए चले जा रहे थे। वापस चर्च लौटकर ये रैली संपन्न हुई। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी इस मौके पर हुआ। यहाँ पे जो हमारे नगर की जो नगर पालिका अध्यक्ष ही रहे हैं श्रीमती अर्चना सिंह और SDM साहब आए थे और कुछ स्थानीय से मुख्यमंत्री थे जिनका हमने स्वागत किया है और कई ऐसे समाज के लोग आए थे जिनका हमने स्वागत किया है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो हमारा क्रिसमस का प्रार्थना करा। बीजापुर के रहने वाले रतिराम यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके घर में घुसकर उसके घर से कुछ पैसे और सामान भी ले गए, साथ ही साथ जनरेटर भी उठा ले गए और महिलाओं के साथ अभद्रता भी की है, जबकि उसका कहना है कि उसका बिजली विभाग से कोई बकाया नहीं था। पुलिस ने हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों पर उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी विवेचना जारी है और तफ्तीश के बाद ही असल स्थिति पता चल सकेगी। ग्राम से रतिराम यादव आया था, उसने आवेदन दिया 9:30 बजे लगभग कि मेरी मोटर और बहुओं को महिलाओं को मारपीट की है और बिजली विभाग वाले ले गए। आवेदन दिया मैंने, आवेदन मुंशी जी को बताया, आवेदन ले ले। मेरी तबीयत अस्वस्थ ज़्यादा थी, मैं चला गया छतरपुर और रतिराम से बोला कि तुम सुबह आ जाना या शाम को आ जाना, तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी और उस आवेदन को जांच तलब जो रोजनाम चा में रिपोर्ट डलती है उसमें रोजनाम चा में रिपोर्ट डलवाई है और बिजली विभाग की यदि गलत बिजली विभाग ने किया है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जाँच की जाएगी। अभी जांच नहीं की गई है, उनको बुलवाया था, आज मेडिकल के लिए महिलाओं को बुलाया है और महिलाओं को मेडिकल के लिए CSC बिजावर भेजा जा रहा है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं दी गई है विद्युत विभाग द्वारा। अपने एरिया से हट के उनने अपने अधिकारों से हट के ये काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। रही बिजली की बात, तो बिजली का ये जो भी पैसा पड़ा होगा वो तो पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, लाइट की समस्या है सभी जगह। मारपीट की गई है महिलाओं के साथ में। हाँ, मारपीट वही हम बता रहे हैं ना, मारपीट अगर की है उसके लिए अगर जो भी उनके ऊपर केस बनेगा और सामने हमारे जो बात आएगी उसके आधार पे उनके केस बनवाएंगे और हम अपनी जनता के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, हम अभी कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे, वो YC को ही बुला के उससे पूछेंगे कि क्या सच्चाई है। कल ये घटना भाई साहब वाजी साहब आए थे मेरे घर में खींचना तो उनने तारा और तरह की मारपीट कही और संगे पलंग पेटी हुई और जो जनरेटर ले गए उसमें पलंग पेटी में एक पाल जोड़ी पाल हती, एक जोड़ी एक दौड़ा हतु, उसमें 20,000 रुपया थी दे दे गए और मेरी दो पत्नी की और बहू की मारपीट कही, गोली की धमकी देते, दो सिपाही खड़े थे यहाँ बाजी लगा करते करते, ज़्यादा सटपट करोगी तो मैं गोली मार देंगी। इससे मैं गरीब आदमी डरा हुआ, मैंने कुछ कही नहीं और इनको खींच खींच बार पकड़ पकड़ को दीवार में खा लेता है, कोई गुम्मन पे पटकाते है, ऐसा मार थी नहीं साहब कई है थाने में सिखा। तो क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं होती है साहब, मैं आत्महत्या कर दूँ तो चाहे फांसी लगा के मार दूँ। क्या मारा है वो बंदू के मारे ताए टूटे ताए तो मारो है पलंग पीटी के ताया है टूए जनरेटर कड़ू। हाँ, जनरेटर कड़ू ले गए, हम खींचे थे मोटरसाइकिल, हम भाई साहब की कड़ू ले गए थे तो बाबा चाय। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें शासन की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही भाजपा का लक्ष्य है। आज एक और कार्यक्रम चालू हुआ है जिसका नाम है ग्राम उदय से भारत उदय तक। इसके बीच में भी लोगों से मिलना, लोगों की परेशानियां जानना, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ करके और उनकी पूर्ति कराना हमारा लक्ष्य रहेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक वो है कि जिस सिद्धांत और नीतियों पर काम करती है कि, और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पंडित दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है उस तक कैसे योजनाएं पहुंचाएं या उस तक कैसे लाभ पहुंचाएं, ये सारी चीज़ें इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लोगों से मिलना जुलना आज हुआ है। ये कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई है और नगर हमारा
हमारा शहर नंबर वन की दौड़ में शामिल हो, इसके लिए लोगों को जन जागरूकता फैलाना है। बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। रविवार को यहाँ पर अचानक ही एक खिलाड़ी को चोट लग गई। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ और छतरपुर के बीच में मैच चल रहा था, तभी टीकमगढ़ का खिलाड़ी बिहारी लाल कुशवाहा जब बैटिंग कर रहा था, तभी एक बाउंसर बॉल उसके चेहरे पे आकर लगी। हालांकि वो हेलमेट पहने हुए था, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि हेलमेट टूटकर उसके चेहरे पर गेंद लगी है। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेला था, मतलब तेज बाउंसर गेंद थी, खराब हेलमेट के कारण सीधी गेंद मतलब सिर में वाला चेहरे में घुस गई, हेलमेट टूट गई। कौन सी प्रतियोगिता चल रही थी यहाँ? संभागीय प्रतियोगिता। कहाँ से आए थे? टीकमगढ़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाप पंचायतों की तर्ज पर बुंदेलखंड में भी पंचायत ने सुनाया जानलेवा फरमान। 65 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। राज्य मंत्री ललिता यादव ने किया सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर सीएमएचओ और सिविल सर्जन को लगाई फटकार। नालियों के निर्माण के बाद से आज तक नहीं हुई नालियों की सफाई। वार्ड क्रमांक 14 और 15 के बाशिंदे गंदगी से हैं परेशान। और जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं चरम पर। आरक्षक को नहीं मिल रहा था इलाज, आरक्षक को इलाज दिलाने पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे अस्पताल।